मेरा बच्चा मिल गया और साथ में बच्चा के साथ और कौन मैं यूट्यूबर इसलिए हूँ क्योंकि सब लड़की सोचती है एक यूट्यूबर से शादी हो तो मैं यूट्यूबर बन गया यार कुछ भी तो गाइस कितना सुंदर नजारा दिख रहा है आप लोग कितना सुंदर दिख रहा है आप बताइए गोरी मैम घर में है हमारे इंडियन में यही होता है देखो मतलब एक सुंदर परी दिखी नहीं यहाँ बताओ कितने लड़के पीछे पड़ गए देखो वाह भाई वाह क्या चल रहा है बाय द वे आई लव यू बाय द वे आई लव यू भाभी तो हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो तो गाइज आज का ये ब्लॉग काफी टाइम के बाद मेट्रो के पास से स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्टर 52 से स्टार्ट कर रहा हूँ आज का ब्लॉग चलो भाई चलते हैं आज का प्लान कहाँ का है कुछ पता नहीं यार क्योंकि बोर हो चुके हैं हम लोग दिल्ली से बोर हो गए और भाई बहुत लोग मेरा कॉपी कर रहे हैं वीडियो तो कॉपी कीजिए ठीक है लेकिन गलत गलत गाना मत लगाइएगा प्लीज़ यार गाना अश्लील गाना मत लगाइए एकदम बढ़िया बढ़िया गाना का लगाइए जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है लेकिन और किसी को परेशान मत कीजिएगा ठीक है अब एक मिनट बात कर ली तो हो गया चलिए ठीक है भाई अब करते करते गए इसके मतलब इतना परेशान मत कीजिएगा ठीक है आप लोग शूट कीजिए कोई बात नहीं और संभल के क्योंकि भाई ये रिक्स वाला खेल है ठीक है चलो भाई चलते हैं बन रही आप लोग हमारे साथ आज देखते हैं कहाँ जाते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन से लोकेशन पे आज जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके चलते देखते हैं क्या होता है निकलते हैं यहाँ से तो निकलना है ब्लॉग तो हमें बनाना ही रोज आप लोग घर आना ही रोज इंटरटेनमेंट करना ही विदाउट इंटरटेनमेंट इज नॉट परफेक्ट जिंदगी परफेक्ट लाइफ चलो भाई चलते हैं बन रही आप लोग हमारे साथ लास्ट तक तो फाइनली आज पहुँच गए हम लोकेशन पे जहाँ पे शूट करना हो हेलो क्या नाम है आपका प्रेरणा आईडी मत बताइएगा ठीक है बिल्कुल नहीं प्रमोशन हो जाएगा अभी आप ऐसे ऐसे नाच रहे थे कौन सा गाना था लव द लश्कारा अच्छा मुझे लगा पतली कमरिया हो रही आपका नाम क्या हुआ अभी नाम बोली थी ना अच्छा चलिए मिलकर अच्छा लगा आपसे देख के तो घर ब्यूटी मन में काटे चूटी और ये भैया मेरे कजन भैया अच्छा मुझे तो लगा कुछ और बाय द वे आई लव यू तू ही बड़ू रानी अरे अरे ऐसे दिखा रहे रास्ता रहा पॉप था ओके चलिए मिलकर चलेगा आपसे बाय चलो भैया चलते हैं यार लोकेशन नहीं बताएंगे आप लोग दिख ही रहो पता चल गया होगा कहाँ पे है वो रोड देख के हाँ चलो भैया रशियन सब भी है यार बात करते हैं तो गाइस देखिए रशियन मिली है हेलो हेलो मैम हेलो तो गाइस हमारा फ्रेंड सब चुतिया सब भाई प्रैंक कर लिया हमारे साथ अरे हटो अब तुम सब से हम दोस्ती तोड़ रहे हैं ठीक है ऐसा प्रैंक हमें नहीं चाहिए भाई ये सब प्रैंक ऐसा प्रैंक होता है क्या तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे तो इनके साथ कर लो क्या दिखाता है मम्मी से मानिए आपकी अरे वो अपने बच्चे को बुला रही है तो भैया चलिए इंडिया गेट पहुंच गए और एकदम बढ़िया से रिएक्शन शूट करते हैं एकदम बढ़िया से दिखाते हैं आप सभी को रिएक्शन और फनी फनी डायलॉग बोलते हैं हंसाते हैं आप सभी को ओके क्या हुआ तो हमारे टीम में ना एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया क्या हुआ सब सोच रहे हैं कि हम मतलब दोस्ती तोड़ दे ठीक है छपरी और निखिल हो गया ये सब मतलब प्लान बनाया हम लोग को प्रैंक मतलब हम लोग नहीं शामिल भाई कसम से पता है रुला दिया आँख से आंसू गिर गए अभी सर में दर्द हो रहा है बहुत मेहनत करवा चलो भाई कोई ना भाई प्रैंक कर रहा हम भी कभी करेंगे ऐसा प्रैंक करेंगे ना किसी को पता नहीं चलेगा वीडियो देख लेंगे ना यार कोई बात नहीं चलो भाई बन रही आप लोग हमारे साथ अरे चलो वन टू थ्री ये क्या है बना सबको चढ़ गया मिर्गी यू आर कुत्ता यू आर कमीना यू आर ब्यूटी Pop, 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 pop.
ब्रेकिंग न्यूज, हम सबको हो गया आईफ्लू, इसके चलते ले रहे चश्मा। हम भी लिए भैया। आप नहीं लिए हो, आप चोरी ले रहे हैं। साले इतने छोटे मारूंगा भैया। एक बात चश्मे वाले भैया थोड़ा बात कर लीजिए। वहाँ मतलब बोलना चाहते ये, आपके पास इतना चश्मा, एक कम से कम कम से कम भैया एक पहन लीजिए यार। हम नहीं पहनते क्यों भैया? क्योंकि भैया वो पहनाते हैं। ये वाला पहनो ना, एक बार पहन लीजिए। हम प्लीज पहन लीजिए, हम हाई लेंगे। अरे छप्पा देखना, अरे बंद करो। उर्फी जावेद का पति। तो फाइनली गाइस हम इंडिया घर पहुंच गए और यहाँ पे क्रिएटर से मिले। हेलो, आप सब क्रिएटर हो क्या? क्रिएटर जैसे लग रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। हिंदी यू नो हिंदी जानते हो तो बोलो। आती है? हेलो, आप लोग क्रिएटर हो? अरे यार नहीं बोल रही यार, यार जा रहे हैं। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। अच्छा आप सब बात करना चाहते हैं हमसे? हेलो, बात क्या? जब बात ही नहीं करना चाहते तो क्या करे, जा रहे हैं तो और क्या। तो गाइस कितनी औसम है। हेलो भाभी, हाथ मिलाइए। ये मेरा बच्चा है। अच्छा ओके भैया, हम सोचे कि ब्लॉग शूट करेंगे, कुछ बोलेंगे ये, लेकिन भाभी जानती है तो कुछ बोलेंगे तो हंसेगी ही नहीं, वैसे हम कुछ बोलते हैं। तो गाइस देखिए मेरा बच्चा मिल गया, और साथ है बच्चा के साथ और कौन? हेलो भाभी, हेलो, आपका नाम क्या हुआ? तो अभी वीडियो बनाने आए हो? रील रील बनी मंदिर के गेट पहुंची जा। कितना फॉलोवर है आपका? ज्यादा नहीं है, 1000। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट हुआ तब जाके 30,000 पे है। अब ये देखो बकने आ गया। नहीं निकलो, अरे हम पहले भाभी को इंप्रेस करते हैं यार, जाओ। बाय द वे आई लव यू भाभी। अरे कोई बात नहीं, आपको हम जानते ही नहीं, आप मेरे फैन हो बस। हाँ, मैं आपको okay. देखी, मैं पहचान गई। हाँ, वैसे आप हो कहाँ से? बिहार से। मैं बिहार से। बिहार से कहाँ? नवादा। अच्छा, करेजापुर। चलिए ठीक है, आप अपना शूट कीजिए, हम भी अपना शूट करते हैं, और सबको इंटरटेनमेंट कीजिए, हम भी इंटरटेनमेंट। आप इंटरटेनमेंट नहीं करवाते हैं। आप डांस करते हैं। चलो भैया चलते हैं यार, इस क्रिएटर से मिलते रहते, ठीक है? आप भाई भाभी मिल जाती तो कुछ भाई दिल को खुश हो। हेलो करला। हेलो, क्या कहना चाहते हैं आप इंडिया के बारे में, भारत के बारे में? दादी डर गई पहले ही। एक बार जैन बोल दो भाई, पक्का मतलब। तो गाइज मैं यूट्यूबर इसलिए हूँ क्योंकि सब लड़की सोचती है एक यूट्यूबर से शादी हो, तो मैं यूट्यूबर बन गया यार। तो गाइज कितना सुंदर नजारा दिख रहा है आप लोगों को, कितना सुंदर दिख रहा है आप बताइए। Where are you from? अरे कोई तो बोल लो, सुंदर परी बोलना ही नहीं चाहती। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, हिंदी नहीं जानती कोई बात नहीं, हम इंग्लिश नहीं जानते, जाओ। भाई देखो हमारे इंडियन में यही होता है, देखो मतलब एक सुंदर परी दिखी नहीं, यहाँ देखो कितने लड़के पीछे पड़ गए, देखो। वाह भाई वाह, क्या चल रहा है, मतलब एक रशियन को देखे नहीं, लड़का सब पीछे पड़ गया, वाह। तो गाइस क्या बताया यार, आज का ब्लॉग शूट नहीं हो रहा है, दिमाग खराब है, इधर से उधर घूम रहे, ब्लॉग शूट ही नहीं हो रहा है, क्या करे दिमाग। हेलो, इसमें है बोल दिया भैया। चलिए यार, क्या दिमाग पागल है, कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है, क्या करे, लड़की सभी नहीं बोल रही हमसे, हमें डर लग रहा है। क्या भैया कुछ कहना चाहते हैं? डर के आगे जीत है, लेकिन भाई डर से लग रहा है।
चलो भैया देखते हैं क्या होता है। वैसे वीडियो तो बन ही रहा है, अगर एंजॉय हो रहा है तो बता दीजिए कमेंट में। चलो भैया देखते हैं। तो गाइस हम उधर बोर हो रहे थे तो यहाँ पे कुछ नया लोकेशन पे आए हैं यार, फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसा लोकेशन क्या था। तो मतलब इंडिया गेट के बीच में, इंडिया गेट के में एक दिया था, ठीक है, वो दिया को कुछ अलग जगह पर रखे हैं तो वही देखने आए हैं। तो भैया इंडिया गेट तो बहुत बार आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट टाइम गए थे और मतलब बस पाँच से दस मिनट रहे, इतना दिल को सुकून मिला यार, इतना ना थैंक यू भैया। तो चलिए यार देखते हैं क्या होता है। अभी अभी तो रिएक्शन नहीं लेना भैया, हो गया हमारा शूट, क्या बढ़िया बहुत हो गया यार। अब मतलब एक लेडीज थी, उनके जो हस्बैंड थे वो शहीद हो गए थे, अच्छा, तो उनको वहाँ बुलाया गया था, फिर वहाँ पे श्रद्धांजलि वही भैया उतना भी नहीं बोलो, क्या श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अरे कोई बात नहीं, वो बेइज्जती कर दिया ना। तो गाइस ये गाना चोट देनी मार देनी खींच के तमाचा, अरे चोट लग गया यार। तो हेलो एवरीवन, कौन मेरे साथ ब्लॉग बनाना चाहती है, चाहता नहीं चाहती है। तो गाइस ये जो ब्लॉग है वो दिल्ली का है, ब्लॉग नहीं बन पाया फिलहाल, मैं मुंबई में हूँ और ब्लॉग नहीं बन पाया, खास करके बारिश बहुत हो रही थी, ठीक है, बारिश की वजह से हम ब्लॉग नहीं बन पाया। मिलते हैं भैया नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं वो मुंबई में ही शूट होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, प्यारा सा सपोर्ट करते रहिए, प्यारा सा कमेंट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, और क्या, लव यू। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद